आपका अपना चालीवीप स्ट्रीमी चैनल जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रही स्टार प्लस की दी मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में की। दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी ना एक नए अध्याय की तरफ मुड़ रही है, जहां एक तरफ सई की कस्टडी सभी को मिल गई है और पूरे ठक्कर परिवार ने सई का वेलकम बहुत ही ग्रैंड लेवल पर किया है। यहाँ पर सई के लिए काफी डेकोरेट किया हुआ है घर को, बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस का मूवमेंट है। मगर इसके बाद कहानी में अर्श की एक चाल बदल देने वाली है, शो की पूरी कहानी बदल देने वाली है इस खुशी को गम में। क्या होने वाला है चलिए आपको बताते हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल चाली पीप्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी की खुशियों को किसकी नजर लगने वाली है। तो नजर लगने वाली है अर्श और आशिका की, सई और सभी की खुशियों को नजर। दरअसल होने वाला है ये कि हमारा अर्श अपने बदले की आग में जल रहा है। ऐसे में अब रजत की जिंदगी तबाह करने का जो उसका सपना, उसका जो रिवेंज का जो सपना है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए अब रजत ने आशिका का इस्तेमाल करने की कोशिश की है रजत और सभी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। आप बता दी सुनो आपको कि यहाँ पर रजत आशिका को, रजत की जिंदगी में ना अर्श आशिका को वापस भेजने वाला है। जहाँ रजत आशिका से दिल जान से मोहब्बत करता था, हालांकि दोनों का डिवोर्स हो चुका है, मगर रजत अभी भी सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता और वो है आशिका। बेशक आशिका ने उसे धोखा दे दिया, मगर रजत के दिल में आज भी आशिका ही है और इस बात का फायदा उठाने आशिका रजत की जिंदगी में वापस लौट रही है। लेकिन इधर सवि जो कक्कड़ ठक्कड़ को बिल्कुल खड़ूस और अकड़ू मानती थी, अब धीरे धीरे वो उसे एक अच्छा इंसान समझने लगी है। सवि को रजत से प्यार होने लगा है, मगर इस प्यार के बीच में आशिका का आ जाना क्या सवि की जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा? क्या सवि इनसिक्योर फील करेगी, आशिका से जेलसी फील करेगी और रजत को हासिल करने की चाहत में आशिका कुछ ऐसा कर देगी जिससे कि रजत की जिंदगी और ज्यादा बर्बाद हो जाए? वैसे जो भी होगा बहुत मजेदार होगा क्योंकि एंटरटेनमेंट दोगुना होता जा रहा है। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये ट्रायंगल लव स्टोरी देखने के लिए, और सभी और रजत के बीच में आशिका का आ जाना आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि बहुत सारे ड्रामे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रोमांटिक सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे रजत और सभी के बीच में।